क्या रिले बोर्ड, रिले बोर्ड आप लोग दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड, ये बोर्ड भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ भी आएंगे तो ये क्या लिखा हुआ है रिले बोर्ड, तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पावर सप्लाई बोर्ड। तो पावर सप्लाई बोर्ड भी होते हैं, रिले बोर्ड भी होते हैं और माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड भी होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी HPC सिस्टम में या चिलर सिस्टम में जो वायरिंग डायग्राम होता है उसको हम लोग कैसे इजी वे में समझ सकें ताकि हम लोग काम कर सकें। कई भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि आप वायरिंग डायग्राम कैसे समझें उसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो इसलिए आज मैं इसी चीज़ पे फोकस करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि वायरिंग डायग्राम के बारे में जो मेरे जितने साथी हैं सब लोग अच्छे से समझ लें, उनको कोई भी परेशानी ना आए। तो आप लोगों को मैं जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है इसके बारे में वो बता देता हूँ। सबसे पहले कि कोई सा भी चिलर सिस्टम होगा या फिर अगर आप यॉर्क का चिलर पे काम कर रहे हैं या फिर आप SKM पे काम कर रहे हैं या कैरियर के चिलर पे काम कर रहे हैं या फिर ट्रेन के चिलर पे काम कर रहे हैं, जो डायग्राम देखने का तरीका है वो यही होगा। और अगर आप लोग इस तरीके से देखेंगे तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। और ये जो वीडियो होगी वो हमारे सारे भाइयों के लिए होगी, चाहे वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको भी काम आएगा, या कहीं पर टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं या सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं, सबके लिए वीडियो काम की है। और जो मैकेनिकल इंजीनियर या इंजीनियर का जो कोर्स करते हैं उनके लिए भी ये प्रैक्टिकल बहुत ही काम की है। तो चलिए मैं अब शुरू करता हूँ आप लोगों को दिखाना, ये मेरे पीछे चिलर है, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए ये यॉर्क जो सामने लिखा हुआ है ये यॉर्क का चिलर है। मैं हर मरतबा बताता हूँ कि शायद कोई गलत फहमी ना हो, लेकिन आप इस तरीके से हर चिलर पे चेक कर सकते हैं। ये यॉर्क का चिलर है और एयर कूल्ड चिलर है, इसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगे हुए हैं। मैं सबसे पहले ये सब चीज दिखा देता हूँ, ये देखिए ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है और इसके अंदर 3 कंप्रेसर लगे हुए हैं, बाकी कंडेंसर फैन है। और यहाँ पे जो है इसका मेन कंट्रोल पैनल है जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें ये जो कॉन्ट्रेक्टर लगे हुए हैं ये कंप्रेसर के लिए 2 कॉन्ट्रेक्टर हैं। यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं वो PCB है। PCB अलग अलग तरह का होता है लेकिन नॉर्मली हम लोग PCB बोलते हैं। और यहाँ पे इसका डिस्प्ले है जहाँ से हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं चिलर को, जो हमारे ऑपरेटर भाई हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है। तो ये अक्सर मैं बताता रहता हूँ, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कहाँ से क्या चेक करना है नहीं चेक करना है। तो यहाँ से आप लोग अलार्म रीसेट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, टेम्परेचर सेटिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ये वायरिंग डायग्राम है। आप लोग यहाँ से मैं नजदीक करता हूँ, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो वायरिंग डायग्राम जैसे लिखा हुआ है तो इजी वे में समझने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लोगों को कोड समझ लेना है। कोड तो कोड कहीं कहीं पे दिया हुआ था ना, ये कंप्रेसर 2, ये तो सेंसर समझ में आ रहा है, कहीं पे ये देखिए 2FHP है, तो हम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ गया क्या चीज है, तो उसका एक साइड में कोड वर्ड दिया हुआ होता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2FHP जो है वो हाई प्रेशर प्रोटेक्ट स्विच है, हाई प्रेशर प्रोटेक्ट स्विच 2FH, तो ये हाई प्रेशर स्विच को यहाँ पे बता रहा है। तो डायग्राम क्या है, वायरिंग का घूम घूम के हर जगह पे जाता है, उस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ होता है। अभी हम लोग PCB के डायग्राम पे आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख लें ये PCB का सारा डायग्राम है, जो हमारा रिले बोर्ड है, माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड है, सब कुछ का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। आप लोग यहाँ से मैं सीधा कर देता हूँ, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अभी मैं इसके बारे में एक एक करके आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे इजी वे में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पढ़ना है, ये देख लीजिए नजदीक में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या रिले बोर्ड, रिले बोर्ड आप लोग दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड, ये बोर्ड भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ भी आएंगे तो ये क्या लिखा हुआ है रिले बोर्ड, तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पावर सप्लाई बोर्ड। तो पावर सप्लाई बोर्ड भी होते हैं, रिले बोर्ड भी होते हैं और माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड भी होता है, और हम लोग अपने अपने जुबान में कई तरह का वो नाम उसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नीचे भी एक इसमें डायग्राम है। तो इसका जो देखने का तरीका है वो क्या है कि अगर हमको किसी चीज के बारे में देखना है कि ये वायर कहाँ जा रही है, ये वायर कहाँ से आ रही है, तो एग्जाम्पल ये ले लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड। यहाँ आप लोग देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड जो है ये देख लीजिए यहाँ, तो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है J4, J17, J11, J16, J13, J14 और J15।
इस तरीके से हर जगह पे एक नंबर होता है, जैसे ये देखिए K1, K4, KB, K3, K5, ये रिले बोर्ड पे ये नंबर है, और यहाँ पे ग्रीन येलो हर जगह ये वायर का कलर कोड भी दे के रखा है। अभी हम इसमें बात करेंगे, मैं माइक्रो प्रोसेसर पे ही बात करता हूँ ताकि और अच्छे से आप लोगों को छोटी चीज बताऊंगा तो बड़े चीज समझने में आसानी होगी। जो हमारा 17 है, J17, ये देखिए लिविंग चिल्ड वाटर टेम्परेचर सेंसर, लिविंग चिल्ड वाटर टेम्परेचर सेंसर के लिए ये जा रहा है। और इसी तरीके से, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें J16 की, सिस्टम 2 ऑयल टेम्परेचर, नीचे है ट्रांसड्यूसर, ओके। और यहाँ पे J13 की बात करें तो यहाँ पे सक्शन प्रेशर ट्रांसड्यूसर, और J13 की बात करें तो सिस्टम 1 ऑयल प्रेशर ट्रांसड्यूसर। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये ऑयल प्रेशर, सक्शन प्रेशर, और यहाँ पे आप लोगों को डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर दिख रहा है J15 में। ये सिस्टम 1 का है, सिस्टम 2 का है। तो इस तरीके से आप लोगों को हर जगह में क्लियरली लिखा हुआ आएगा। अब मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल दिखा दूं, इसमें समझना इस तरीके से है, कोई भी किसी भी कंपनी का चिलर होगा या HVAC सिस्टम होगा तो आप लोग इस तरीके से ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगी। यहाँ पे आप लोगों को मैंने कॉन्टेक्ट बता दिया, PCB। अभी जो ये देखें आप लोग, जो मैं बता रहा था आप लोगों से, इधर फिर से बता दूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़ लें, पावर सप्लाई बोर्ड। ये देखिए पावर सप्लाई बोर्ड हमारा ऊपर वो दिख रहा है। दूसरा जो था रिले बोर्ड, यहाँ मैं ऊपर करता हूँ, ये सामने जो पेपर पे लिखा हुआ है आप लोग देख लें, आउटपुट रिले बोर्ड, ये रिले बोर्ड है। यहाँ पे देख लें, ये माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड, ये बोर्ड है। यहाँ पे जो मैं आपको J14 J13 जो दिखा रहा था, यहाँ पे देखें ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर का, सक्शन का, डिस्चार्ज का जो प्रेशर है, सक्शन प्रेशर ट्रांसड्यूसर, डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर, हर तरह का ट्रांसड्यूसर का यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये आपको J14 J15 J17 J11 यहाँ पे ये नंबर लगे हुए। लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ कि आप लोग सेफ्टी से ही काम करना है, अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग नहीं लिया है तो ट्रेनिंग जरूर ले लें, और नहीं तो किसी अपने सीनियर के साथ रह के ट्रेनिंग ले लें, या आप लोग कोई कोर्स कर लें, लेकिन प्रैक्टिकल भी जरूर करें और बिल्कुल सेफ्टी से काम करें, क्योंकि सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और सेफ्टी से काम करेंगे तो हमेशा हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी जरूरत हो। और आप लोग चाहे तो अपने YouTube चैनल पे, WhatsApp पे, Facebook पे, जहाँ भी चाहे मेरे वीडियो का लिंक शेयर करते रहें और मुझे भी सपोर्ट करें, और आप लोगों के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। तो चलिए जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।